पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मझोला के चौधरपुर गांव में 5 साल की मासूम तारा को जिंदा दफनाने के आरोप में पुलिस ने उसके माता पिता को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पुलिस हिरासत में कबूल किया है कि शुक्रवार सुबह बारिश में भीग जाने के बाद तारा बीमार हो गई थी। उसे उन्होंने मृत समझा और घर में ही गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। घर में ही क्यों दफनाया, इसके सवाल पर बताया कि गर्भ में पल रहे शिशु को सूखे की बीमारी ना हो, इसी वजह से उन्होंने तारा को तांत्रिक के कहने पर घर में ही दफन कर दिया। लेकिन पुलिस को वो तांत्रिक का नाम और पता भी नहीं बता सके हैं। एएसपी अपर्णा गुप्ता ने मंगलवार को थाना मझोला में वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपी आनंद पाल उर्फ अनंत पाल और उसकी पत्नी मौनी उर्फ मीना है। आरोपियों ने तारा के बारिश में भीग जाने के बाद उसका उपचार भी नहीं कराया था। जिंदा तारा को बिना किसी डॉक्टर को दिखाए ही उन्होंने मृत मान लिया और घर में जिंदा दफना दिया था। वारदात में तारा की मां मौनी, पिता आनंद पाल के अलावा चाचा किरण पाल और दादी भूरी भी शामिल थे। किरण पाल और भूरी की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मौनी के 2 मासूम बच्चों की परवरिश के लिए पुलिस प्रयास करेगी कि उन्हें किसी बाल आश्रय गृह में रखा जाए। दिनांक 4 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मझोला के चौधरपुर गांव में एक छोटी बच्ची को दफना दिया गया है। आज इस पर कार्रवाई करते हुए 7 अगस्त को 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से इसके मौत हुई थी बच्ची? बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया था उसके माता पिता और अन्य परिजनों द्वारा। मैडम, इसमें किसी तांत्रिक क्रिया की भी बात सामने आ रही है? ऐसी सूचना आई थी कि इसमें किसी तांत्रिक ने इनसे ऐसा कहा था, बातचीत में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। मैडम, क्या वजह रही इसको घर में दफनाने की? बच्ची का काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, जिसका कुछ 1-2 दिन इलाज भी कराया गया इसके पिता द्वारा। उसके बाद ये फिर से बीमार हो गई थी, बारिश भीगने की वजह से इसको बुखार आ गया था। इन लोगों ने बेहतर यही समझा कि इसको जो है दफन करके ख़त्म कर दिया जाए। मैडम, घर में